हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्वल रेसिंग। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में मैं आपको एक सोलर पैनल बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी एल्युमिनियम के पाइप से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ताकि ऐसी वीडियो आप कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम का पाइप लिया जिसका कि मैं सीट बना लूँगा। आप अपने हिसाब से इसकी साइज ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसकी सीट बना लेता हूँ स्क्वायर में। तो चलिए मैं इसकी सीट बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसका सीट बना लिया है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, लेकिन मैंने इसका सीट बना लिया है। आपको एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है जो कि आप मोटर वगैरह से निकाल सकते हो। आपके पास जो पुरानी मोटर या फिर ट्रांसफार्मर पड़ी होगी उससे आप निकाल सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे जो हम इस एल्युमिनियम के सीट के ऊपर लगाने वाले, तो किस तरह से लगाने वाले चलिए देखते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट एंड को आपको बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको इसे दोनों तरफ से लपेटते जाना है। चलिए इसे कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से इसे पूरे जो है एल्युमिनियम की सीट के ऊपर आपको इस तरह से कर लेना है दोनों ही साइड से। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसे पूरा कर लिया है, हमारा जो कम्प्लीट हो चुका है। आपको भी कुछ इसी तरह से जो है इस कॉपर वायर को इस तरह से बना लेना है। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, इस एल्युमिनियम की सीट के ऊपर हमें इस कॉपर वायर को अच्छी तरह से ग्लू की मदद से फिक्स कर लेना है। तो चलिए मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसे अच्छी तरीके से फिक्स करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर कभी भी फेक वीडियोज़ नहीं आते तो आप बेझिझक होके इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, पास में बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसे चिपका लिया है। तो अब मैंने इसके चारों तरफ टेप लगा लिया ताकि इसकी लुक अच्छी हो जाए। इसकी लुक के लिए मैंने चारों तरफ टेप भी लगा दिया है अच्छी तरीके से। तो हमारा जो सोलर पैनल वो बन के तैयार है, लेकिन अभी हम इसकी बॉडी की बात करेंगे। चलिए इसकी बॉडी बना लेते हैं। तो इसे हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट दो वायर निकाले हैं जो कि माइनस और प्लस हैं। आपको इसे सिंपली यूज़ करने के लिए इसके ऊपर की इंसुलेशन हटा लेनी है घिस करके इसे। तो मैं इसके ऊपर की इंसुलेशन हटा लूँगा। तो आपको अब सिंपली क्या करना है, उसे साइड में रख देना है। उसके बाद आपको एक कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड का बोर्ड ले लेना है जैसा कि मैंने लिया है। और आपको इसमें किस तरह की साइज से कट करनी है मैं आपको बता दूंगा। आप अपने हिसाब से इसकी साइजेस ले सकते हो। तो देख सकते हो, मैंने कुछ दो इस प्रकार का कट कर लिया है और एक छोटी सी सीट की कट की और एक बड़ी सी सीट कट कर ली है मैंने। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इसे अच्छी तरीके से कट कर लिया। आप अपने हिसाब से इसकी साइज ले सकते हो। तो इसकी मैंने कोई कस्टम साइज नहीं दी है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि इसे जो हमें कार्डबोर्ड पे चिपका लेना है फेविकॉल की मदद से। तो मैं इसे अच्छी तरीके से चिपका लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने दोनों ही साइड को अच्छी तरीके से इसमें चिपका लिया है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली सोलर पैनल को इसके ऊपर चिपका लेना है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरीके से चिपका लेता हूँ। और इससे पहले मैं इसके पीछे वाली साइड में सीट चिपका लूँगा जो कि मैंने पहले से कट करके रखी थी, मैं उसे चिपका लूँगा। चलिए इसे अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसे भी चिपका लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली सोलर पैनल को कुछ इस तरीके से इस पर चिपका लेना है। तो मैं इसे भी चिपका लूँगा। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा, तो उसके बाद मैं इसको चिपका दूँगा। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल चिपका दिया है और साथ ही सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर टेप भी लगा दिया है। तो हमारी जो सोलर पैनल वो तैयार है। तो इसकी टेस्टिंग वाइज चलिए इसे टेस्ट करके देख लेते हैं अच्छी तरीके से वर्क करता है नहीं करता। तो हम टेस्टिंग करने के लिए सिंपली जो है हम आउटडोर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक LED ली है जिसे कि मैंने एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर कैप से कनेक्ट कर दिया है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ ये वर्क करी है नहीं करी। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारे जो दो वायर्स निकले हमें उसे इसमें कनेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे मार्किंग कर लेना माइनस और प्लस। मैंने यहाँ पर मार्किंग नहीं किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इसे मैं जैसे ही टच कर रहा हूँ हमारी जो LED है वो जल जा रही है, LED हमारी ग्लो कर जा रही है। इसका मतलब हमारा जो सोलर पैनल वो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, एकदम कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, कोई फेक ट्रिक नहीं है।
जेन्युइन ट्रिक एकदम, आप इसे जरूर घर पे ट्राई करना। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से चेक किया तो ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।